हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू और आज की जो मेरी वीडियो है वो एग रिट्रीवल के दिन क्या क्या होता है उस प्रोसेस को डिफाइन करते हुए इस पे ये वीडियो है, क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट थे कि जो एग रिट्रीवल वाले दिन क्या मतलब उस दिन पेन रहता है उस प्रोसेस के टाइम पे, या जिनको पता है कि उस दिन एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो उनको डाउट होता है कि क्या उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है या होश कब आता है या कितनी देर तक वो बेहोश होते हैं। मैं सिर्फ एग रिट्रीवल वाला दिन जो है मैं उसके बारे में बताऊंगी। एग रिट्रीवल से पहले 13 डेज़ तक जो हमें इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, जिस दिन एग रिट्रीवल के लिए आना होता है उस दिन अर्ली मॉर्निंग बुलाया जाता है और उस दिन हमें खाली पेट आना होता है। इनफैक्ट पानी भी नहीं पी सकते, कोई भी लिक्विड कोई भी सॉलिड चीज़ हमें खा के नहीं आना है, ना कुछ पी के आना है। इनफैक्ट एक रिट्रीवल से एक दिन पहले रात को 10 बजे के बाद ही कुछ भी खाना या पीना बंद करना होता है, मतलब मना कर दिया जाता है कि आप मतलब सारे डॉक्टर्स अलग अलग टाइम बता देते होंगे। जैसे मुझे 10 PM बोला था क्योंकि मेरा जो रिट्रीवल था वो बहुत अर्ली मॉर्निंग ही हो गया था, लेकिन किसी को हो सकता है 11 PM या 12 PM भी बोल देते होंगे, वो डिपेंड करता है उनके टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग। तो हमें बहुत अर्ली मॉर्निंग, जैसे हम 7 ही हमें बुला लिया था हॉस्पिटल, और एग रिट्रीवल के दिन एक्चुअली हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया जाता है। अब वो आपके पैकेज पर डिपेंड करता है कि आपको प्राइवेट रूम मिलेगा या आपको जनरल रूम मिलेगा, जनरल वार्ड मिलेगा, वो आपका पैकेज या आपके क्लिनिक पे डिपेंड करता है। और जब आप वहाँ पे जाते हैं तो एक तो आपने कुछ खाया नहीं होता, कुछ पिया नहीं होता। इनफैक्ट आपको ये भी इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं कि आपको उस दिन कुछ भी ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने, इवन जो कान में आपने ईयरिंग्स अगर पहने हैं तो वो भी आपको उतारने पड़ जाते हैं। और एक तो मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था हॉस्पिटल ने, तो मैं घर से ही ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी, ईयरिंग्स वगैरह। आप सिंदूर भी नहीं लगा सकते अपने माथे पे, कुछ भी नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई भी मेकअप नहीं, कोई मॉइस्चराइज़र भी नहीं, इवन कोई परफ्यूम भी आप नहीं लगा सकते। तो इसके बाद जब हॉस्पिटल जाते हैं तो पहले तो क्योंकि एडमिट होना है तो वो आपके जो ड्रेस है वो चेंज करवा देते हैं, आपको हॉस्पिटल वाली ड्रेस ही पहननी होती है। और प्लस आपके हाथ में क्रैनुला लगा दिया जाता है जिस क्योंकि आपको ड्रिप लगते हैं, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं होता, कुछ पिया नहीं होता, इस वजह से कहीं आप फेंट ना हो जाओ या कुछ, इसलिए आपको ड्रिप लगते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं। और एग रिट्रीवल से पहले भी ग्लूकोज जैसे मुझे लगा था, और वैसे आपके हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी डिपेंड करता है कि वहाँ का प्रोसीजर क्या है, पर जनरली जो मेरे साथ हुआ था मैं वो बता रही हूँ। तो मुझे ड्रिप लगाई गई थी और उसके बाद भी जैसे अगर वॉशरूम आता है क्योंकि हम ग्लूकोज की वजह से, तो हमें एग रिट्रीवल से पहले हमें वॉशरूम जाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वॉशरूम, थोड़ा सा भी अगर यूरिन है बॉडी में तो फिर बोल दिया जाता है कि नहीं आप पहले वॉशरूम चाहिए। इस तो हमें आ रहा हो नहीं आ रहा, हमें ज़बरदस्ती फिर भी भेजा जाता है एग रिट्रीवल से पहले वॉशरूम। तो थोड़ी देर तो हम रूम में ही होते हैं जो भी प्राइवेट या जनरल, और उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन रूम ले जाया जाता है। ऑब्जर्वेशन रूम में हम थोड़ी देर वेट करते हैं क्योंकि किसी और का एग रिट्रीवल चल रहा होता है, और उसके बाद हमारा एक बार BP वगैरह ये सब वो चेक कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम अंदर OT में जाते हैं, तो OT में जाने के बाद हमें वहाँ पे जो भी प्रोसीजर होता है वो जो टेबल होता है जो एक्चुअल में उनका, उसमें लिटा दिया जाता है। और जो एनेस्थेटिक डॉक्टर होता है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है बाकी डॉक्टर्स के साथ, और वो जो हमारे हाथ में क्रैनुला होता है उसी में ही जो वो इंजेक्शन एनेस्थीसिया का वो इंसर्ट कर देते हैं। और वो बस आपसे नाम पूछते हैं, कोई कोई तो नाम बताते बताते ही बेहोश हो जाते हैं, कई लोग नाम बताने के बाद बेहोश हो जाते हैं। मुझे इतना याद है कि मैंने अपना नाम बता दिया था, मैंने सीलिंग तरफ देखा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे सीलिंग चलने लगी है, और फिर जैसे ही मैंने आँख खोली तो एक टाइम ट्रैवल की फीलिंग थी वो, कि ऐसा लगा जैसे आँख बंद हुई और बस आँख खुली। और जब आँख खुली तो मैं ऑब्जर्वेशन रूम में थी, वही रूम जहाँ OT में जाने से पहले थी, और मैं वहाँ लेटी हुई थी। बस एक बार आँख खुलती है और मतलब ये होता है कि हम होश में तो आ गए होते हैं, मतलब मैक्सिमम आई थिंक 20-25 मिनट्स में हम होश में आ जाते हैं या उससे भी पहले। और जैसे ही आँख खुलती है तो हमें मतलब थोड़ा बहुत बस समझ आ रहा होता है कि हाँ ठीक है, हम कहाँ पे हैं, क्या है। किसी किसी को तो लगता है कि उनका एग रिट्रीवल अभी तक हुआ ही नहीं है, कई लोग ऐसे भी होते हैं क्योंकि क्योंकि वो बस एक सेकंड, हमें ऐसा लगता है जैसे एक सेकंड हुआ है कि हमने आँख बंद की थी और आँख खुली है, हमारे लिए वो सिर्फ एक सेकेंड ही होता है इसलिए।
तो ऑब्जर्वेशन रूम में वो चेक करते हैं कि हमारा बीपी स्टेबल है नहीं है, बहुत नींद आ रही होती है, ठीक है, हम बार बार सोए जाते हैं, फिर बीच में नींद खुलती है, वो ऐसी नींद होती है कि हाँ मतलब अगर हमसे हमें कोई उठाए बात करे तो हम बात भी कर लेंगे, जवाब भी दे देंगे, ठीक है, लेकिन हम फिर सो जाएंगे, फिर बेहोश हो जाएंगे, फिर सो जाएंगे बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा बीपी, हार्ट रेट सब कुछ नॉर्मल हो जाता है थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन रूम में रहने के बाद, क्योंकि काफ़ी लोगों को एनेस्थीसिया के बाद वॉमिटिंग भी हो सकती है, मुझे तो नहीं हुई थी ऑब्जर्वेशन रूम में वॉमिटिंग। और उसके बाद जब देखा सब कुछ वाइटल स्टेबल है, तो मुझे फिर जो मेरा रूम था जहाँ मेरे हस्बैंड भी थे, मीन वाइल जो हस्बैंड होते हैं जब हमारा एग रिट्रीवल का प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे हस्बैंड का भी जो सीमेंस वगैरह है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, तो बाय द टाइम मैं रूम में गई थी तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी वहाँ पे थे, तो उनका जो था वो जो प्रोसेस था वो कम्प्लीट हो गया था। उसके बाद मुझे मेरे रूम में शिफ्ट करने के बाद मैं वहाँ पे, मुझे याद है कि मेरे रूम में तो अराउंड 11, हाँ मैं अराउंड 11 आ गई थी शायद रूम में, लेकिन मैं बार बार सो रही थी, हर आई थिंक 20 मिनट्स में या हर आधे घंटे में कोई नर्स आके मेरे वाइटल्स चेक करके जा रही थी, और मुझे एग रिट्रीवल का तो बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है क्योंकि हम कम्प्लीटली बेहोश होते हैं, और ना मुझे बॉडी में कोई पेन फील हो रहा था, कुछ भी नहीं, हाँ बस ये था कि नींद बेहोशी मुझे बहुत थी। रूम में आने के बाद मुझे वापस जो है ग्लूकोस लगा दिया था, ड्रिप मुझे लगी थी क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ सुबह से कुछ खाना नहीं खाया होता, पानी भी नहीं पीने देते, तो इस वजह से जो ग्लूकोस की वजह से हम जो है ऐसे हमारी कंडीशन स्टेबल रहती है। प्रॉपर होश या जब मैं बैठने लायक हो गई थी वो अराउंड 5 PM था, काफ़ी लोग अराउंड 3 PM 4 PM ही आई थिंक नॉर्मल फील करने लगे थे, बट मैं जब तक बैठने लायक हुई थी वो 5 PM था, और उस टाइम पे मेरे लिए जो हॉस्पिटल में ही जो फूड वगैरह था वो हॉस्पिटल ने ही हॉस्पिटल का ही मुझे खाना पड़ा था, और वो बहुत लाइट, क्योंकि हमें जिस दिन एग्रीटेबल होता है उस दिन बहुत लाइट खाना होता है, दलिया या खिचड़ी इस तरह से ही कुछ। इवन घर जाने के बाद भी जो डिनर किया था उसमें भी यही बोला गया था कि आप सॉलिड फूड एग्रीटेबल वाले दिन नहीं खाएंगे, नेक्स्ट डे से खा सकते हैं, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल में ही जो उन्होंने लाइट खाना ऑफ़र किया था वो भी ऐसे खिचड़ी था, और मैं हाँ 5 o'clock के बाद ही वो मुझे सर्व हुआ था जब मैं थोड़ा सा मुझे बेटर फील हो रहा था। उसके बाद मुझे जैसे कहते हैं कि काफ़ी लोगों को चक्कर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था मुझे, मुझे बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा था, बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था, और मुझे ना वॉमिटिंग लगा ना मुझे कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई, और मैंने खाना भी खा लिया था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डिस्चार्ज मुझे अराउंड 7:30 किया था, जब मेरी डॉक्टर पर्सनली मुझसे मिलने आई। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे कितने एग्स रिट्रीव हुए, जो कि टोटल 9 थे, पर उसमें से सिर्फ 7 काउंट हुए क्योंकि 7 ही मैच्योर थे। उसके बाद 7:30 को अराउंड मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, और मुझे खुद चल के जाना मना था, तो मुझे व्हील चेयर पर गाड़ी तक जो था लेके गए, मतलब लिफ्ट के थ्रू और नीचे गाड़ी तक जब तक मैं नहीं पहुंची थी मुझे पूरा उन्होंने व्हील चेयर पर ही लेके गए थे। यहाँ तक तो सब सही था, फिर जब मैं गाड़ी में बैठ के घर में पहुंची तो गाड़ी के मूवमेंट की वजह से मेरे को घर पहुंचते ही वॉमिटिंग हो गई थी, लेकिन लेकिन मुझे और कोई ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा, ना चक्कर थे ना कुछ ऐसे। और उस दिन क्योंकि मैं पूरा दिन सोई थी तो हाँ मुझे रात को थोड़ा सा लेट नींद आई थी, लेकिन ऐसा आपको एनेस्थीसिया का असर एक टाइम के बाद बिल्कुल फील नहीं होगा। जो मसल्स पेन, बॉडी पेन वगैरह जो होता है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है, और 2-3 दिन कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में थोड़ी अकड़न रहती है, क्योंकि हम बेहोश होते हैं तो हमारे हैंड और लेग्स जब स्ट्रेच होते हैं या कुछ भी होता है तो वो हमें जो है बाद में हमें थोड़ा बहुत फील होता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन पेट में कोई भी ऐसा पेन कुछ भी नहीं था। हाँ हमें एंटीबायोटिक वगैरह मिलती है और वो हमें टाइमली खानी होती है, ठीक है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हाँ ऐसा पेट में मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी दर्द नहीं था, कुछ भी फील नहीं था। बाकी और लोग जिनका भी एग्रीटेबल हुआ है अगर उनका एक्सपीरियंस इससे कुछ डिफर करता है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, या अगर आपको और कोई डाउट है एग्रीटेबल के रिगार्डिंग तो वो भी आप पूछ सकते हैं।
मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी और भी वीडियोस देखी है, मैं हमेशा जो मेरे को जिस चीज़ का नॉलेज है मैं उस चीज़ का आंसर ज़रूर देती हूँ। लेकिन हाँ, आप कभी भी इस वीडियोस पर रिलाई मत कीजिए। कुछ भी अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगती है तो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी एग रिट्रीवल के बाद वैसे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट डे भी हो रहा है, या आपको कुछ और दिक्कत हो रही है, फीवर तेज आ गया है, तो इसका आपको डॉक्टर को, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसका मतलब ये ही नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये ही है कि हाँ, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है और डॉक्टर फिर आपको स्पेसिफिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं खा सकते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आईवीएफ। ये बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।